हे गाइज, मैं कमलेश मेहता आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। गाइज, 2023 की आदि कैलाश की यात्रा लगभग मई माह से प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप भी आदि कैलाश की यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। हमारे होमस्टे का नाम है कंथा फोर्ट होमस्टे। आदि कैलाश की यात्रा 8 दिन की यात्रा होती है, जिसमें पहले दिन काठगोदाम से पिकअप किया जाता है और 8वें दिन काठगोदाम ड्रॉप किया जाता है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आपका पिकअप और ड्रॉप पंतनगर एयरपोर्ट रहेगा। आदि कैलाश पंच कैलाशों में से एक कैलाश है। आदि कैलाश की यात्रा में हमें दर्शन करने को मिलते हैं आदि कैलाश, पार्वती सरोवर, कोटी विलेज, ओम पर्वत, नाग पर्वत, काला पानी, ब्यास गुफा, पाताल भुवनेश्वर और जागेश्वर धाम के। आदि कैलाश उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में स्थित है। इस यात्रा के लिए हमें इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है। आदि कैलाश पंच कैलाशों में से एक कैलाश होने के साथ साथ आदि कैलाश की यात्रा हिंदुओं की एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। अगर आप यह यात्रा हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमसे हमारे होमस्टे के नंबर पर संपर्क करें। संभवतः यह यात्रा मई माह से प्रारंभ हो जाएगी। तब तक आइए देखते हैं 2022 की आदि कैलाश यात्रा की कुछ झलकियां। यह आदि कैलाश यात्रा के दौरान पड़ने वाला कुटी गांव है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे, इसी मार्ग से स्वर्ग की ओर गए थे। इस गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया है। आदि कैलाश की यात्रा स्वर्ग की यात्रा के समान है, जहां हमें हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच से सफर करते हुए आदि कैलाश के दर्शन होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और आदि कैलाश पर्वत को भगवान भोलेनाथ का विश्राम स्थल माना जाता है। यहाँ पर हमें भगवान भोलेनाथ की विश्रामावस्था में आकृति दिखाई देती है। आदि कैलाश यात्रा के दूसरे दिन हमें दर्शन होते हैं मनोकामना मंदिर और काला पानी से हमें दर्शन होते हैं नाग पर्वत और वेदव्यास जी की गुफा के, जहां पर वेदव्यास जी ने महाभारत के कुछ शब्द लिखे थे। काला पानी काली नदी का उद्गम स्थल है। यहां पर हमें मां कालिका और भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। आदि कैलाश की यात्रा के दौरान हमें बहुत सारे हिमालय में पाए जाने वाले जानवरों की नस्लें देखने को मिलती हैं। आदि कैलाश की यात्रा में हमें नाभि ढांग से दर्शन होते हैं पार्वती नाभि और ओम पर्वत के। ब्यास वैली को
फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं ब्यास वैली में पाए जाने वाले कुछ फूलों की प्रजातियां। तो गाइज यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपको आदि कैलाश यात्रा की कुछ झलकियों से रूबरू कराने का। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो एक प्यारी सी टिप्पणी अवश्य कीजिएगा और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।